इसरो अंतरिक्ष में करेगा एक और बड़ा धमाल, दुनिया हो जाएगी निहाल। मिशन आदित्य अब चढ़ने वाला है परवान, VELC पेलोड अब हो गया है तैयार। इसरो की नई तकनीक से अब सस्ता होगा प्रक्षेपण, नए रॉकेट बनाने का कम होगा खर्च। एलन मस्क की अब होने वाली है तगड़ी टेंशन, इसरो को लेकर हो गया है अटेंशन। दोस्तों, अंतरिक्ष में भारत वो मुकाम हासिल करने जा रहा है जिसके बाद उसका नाम दुनिया में छा जाएगा। तकनीक अंतरिक्ष उड़ान को इतनी सस्ती कर देगा कि अंतरिक्ष जगत में क्रांति आ जाएगी। दोस्तों, हालांकि एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी इस जगत में अपनी ख्याति पहले ही फैला चुकी है, लेकिन भारत जो करने जा रहा है उससे एलन मस्क की टेंशन बढ़ने वाली है, उसकी नींद हराम होने वाली है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि आखिर भारत अंतरिक्ष में ऐसा क्या करने जा रहा है जो दुनिया के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। भारत के इस कदम से अंतरिक्ष जगत में कौन सी क्रांति आ जाएगी, कैसे अंतरिक्ष उड़ान सस्ती हो जाएगी। दोस्तों, भारत केवल अंतरिक्ष उड़ान को सस्ता ही नहीं करने जा रहा बल्कि सूर्य मिशन को लेकर भी बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला है। इसके लिए सबसे जरूरी VLEC पेलोड को भारत ने तैयार कर लिया है जिसके बाद इस मिशन की सफलता अब लगभग तय हो गई है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि आखिर ये VLEC पेलोड क्या होता है, आखिर मिशन आदित्य के लिए ये जरूरी क्यों था। इस पेलोड को तैयार हो जाने के बाद क्या भारत अब मिशन आदित्य के सपने को पूरा कर पाएगा। दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष मिशन से चीन की नींद उड़ी हुई है, उसे लग रहा है कि अब अंतरिक्ष जगत में भारत का डंका बजने वाला है क्योंकि भारत के RLV मिशन पर दुनिया के कई देशों की निगाह टिकी हुई है, खासकर वो देश जो महंगे अंतरिक्ष उड़ान के चलते अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि भारत के परीक्षण से दूसरे देशों को कैसे लाभ होगा, कैसे उनके अंतरिक्ष मिशन का सपना साकार होगा। दोस्तों, इस साल इसरो कई बड़े मिशन को अंजाम देने वाला है जिसमें मून मिशन सबसे ज्यादा अहम है। इसके जरिए भारत चंद्रमा के उस सतह को छुएगा जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा है। निश्चित ही ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। इसके अलावा गगनयान को लेकर भी तैयारी चल रही है जो भारत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। दोस्तों, गगनयान पीएम मोदी का बड़ा सपना भी है जिसे इसरो के वैज्ञानिक हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे रक्षा क्षेत्र के लिए भी इसरो तेजी से काम कर रहा है, उन्हें वो तकनीक मुहैया करा रहा है जिसके जरिए वो दुश्मन पर निगाह रख सकें, उनकी हर चाल का जवाब दे सकें। दोस्तों, हाल ही में इसरो ने DRDO के साथ मिलकर हाइपरसोनिक रॉकेट का भी सफल प्रक्षेपण किया है जिससे दुश्मनों की नींद उड़ गई है। दोस्तों, इसरो आज जिस तेजी से काम कर रहा है ऐसी तस्वीर कुछ सालों पहले नहीं थी। हमारी पूर्ववर्ती सरकार अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर ज्यादा एक्टिव नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस पर खास ध्यान दिया, इसके लिए अलग से बजट आवंटित किया जिससे इसरो की उड़ान को पंख लग गए हैं। दोस्तों, इसी का नतीजा है कि इसरो आज कई बड़े मिशन्स को अंजाम देने जा रहा है। दोस्तों, अंतरिक्ष जगत में निजी क्षेत्र की भागीदारी ने हमारे सपनों को नई उड़ान दी है और आने वाले वक्त में भारत की उड़ान हमें शीर्ष पर पहुंचाने वाली है। लेकिन दोस्तों, सवाल अभी भी कायम है कि आखिर भारत इस साल कौन सा ऐसा धमाका करने जा रहा है जिससे अंतरिक्ष उड़ान का खर्चा आधा हो जाएगा। क्या वो उपग्रह बनाने में आने वाले खर्च को कम करेगा, या जो सामान इसे बनाने में इस्तेमाल होते हैं उसकी लागत कम करेगा, या फिर कोई ऐसी तकनीक बनाएगा जिससे कि अंतरिक्ष उड़ान सस्ती हो जाए, और क्या मिशन आदित्य के लिए वो इस तकनीक का इस्तेमाल करेगा। आपके इन सवालों का जवाब अब मैं देने जा रहा हूं। RLV का लैंडिंग डेमो हो गया है तैयार, भारत की ये तकनीक दुनिया में मचाएगी धमाल। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि वो दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रक्षेपण यान की पहली लैंडिंग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन योजना के अनुसार जारी रहेगा बशर्ते जलवायु और मौसम की स्थिति उपयुक्त हो। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि आखिर ये RLV क्या है, इससे कैसे अंतरिक्ष की उड़ान का खर्च आधा होगा। दोस्तों, RLV एक लॉन्च वाहन है जिसे पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए डिजाइन किया गया है और इसीलिए इसका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, इसरो का दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाला प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशनों की एक श्रृंखला है जिसे दोबारा इस्तेमाल होने वाले वाहन के विकास की दिशा में पहले कदम के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, एक TSTO या दो चरण वाला रॉकेट एक अंतरिक्ष यान है जिसमें कक्षीय वेग प्राप्त करने के लिए दो अलग अलग चरण लगातार प्रदान करते हैं। यह पहली बार है जब इसरो अपने RLV-TD कार्यक्रम के लिए लैंडिंग प्रदर्शन कर रहा है। दोस्तों, इसरो की वेबसाइट के मुताबिक शनिवार के लैंडिंग प्रदर्शन में एक लैंडिंग एक्सपेरिमेंट शामिल होगा जिसमें RLV को एक हेलीकॉप्टर का उपयोग करके उसे 3 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया जाएगा और रनवे से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तक एक क्षैतिज रेखा के साथ छोड़ा जाएगा।
रिलीज के बाद आरएलवी रनवे की ओर उड़ता और नेविगेट करता है और एक पारंपरिक स्वायत्त लैंडिंग करता है। कर्नाटक में चित्रदुर्ग के पास एक रक्षा हवाई क्षेत्र में इसकी योजना बनाई गई है। दोस्तों, इसरो प्रमुख ने बताया कि पृथ्वी की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम तक की पेलोड क्षमता के साथ एक छोटा उपग्रह लॉन्चिंग यान लॉन्च करने की योजना बनाई गई है, जिसे कामयाब करने में वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि एसएलएलवी का एक लॉन्च असफल हो चुका है, उस मिशन को याद करते हुए जिसे पिछले साल 7 अगस्त को लॉन्च किया गया था। सोमनाथ ने कहा कि 2022 में इसरो की उपलब्धि के बारे में बहुत उत्साहित नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे लिए यह पर्याप्त नहीं था, मेरे लक्ष्य बहुत बड़े थे। एसएसएलवी सफल नहीं रहा, यह बहुत कम के लिए चूक गया था और यह व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत बड़ी निराशा थी, लेकिन फिर भी हम इस साल लॉन्च पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक ने कहा है कि आरएलवी और एसएसएलवी के अलावा अंतरिक्ष एजेंसी के इस साल सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की भी योजना है। आईआईए ने किया वीईएलसी पेलोड का निर्माण, सूर्य के अध्ययन से मिलेगी मदद। दोस्तों, मंगल ग्रह तक अपनी पहुंच बनाने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सूर्य के रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए भी तैयार है। जी हां, अपने पहले ही प्रयास में मंगलयान मिशन के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के द्वारा मंगल ही धरती पर कदम रखने वाली भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा जल्द ही सूरज से जुड़े रहस्यों का पता करने के लिए आदित्य L1 उपग्रह मिशन लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के माध्यम से इसरो द्वारा सूर्य के वातावरण, इससे जुड़े रहस्यों और धरती के साथ सूर्य के संबंध और इसके प्रभावों के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि आखिर ये आदित्य मिशन क्या है, इसके जरिए सूर्य की किन किन गतिविधियों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आदित्य L1 उपग्रह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा शुरू किया गया है। इस मिशन के माध्यम से इसरो द्वारा सूर्य के वातावरण संबंधित विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। इस मिशन के माध्यम से इसरो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के अतिरिक्त सूर्य के सौर उत्सर्जन और सौर हवाओं, सौर चुंबक तथा सूरज के फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन का भी विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। इसरो द्वारा पहले इस मिशन का नाम आदित्य 1 रखा गया था, लेकिन इसके बाद इस मिशन के दायरे को बढ़ाते हुए इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। आदित्य L1 400 किलो वर्ग के उपग्रह के अंतर्गत रखा गया है, जिसे कि इसरो द्वारा लेग्रांजी बिंदु के निकट स्थित प्रभा मंडल के कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो कि सूर्य के वातावरण संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान करने में सक्षम होगा। दोस्तों, इसरो द्वारा आदित्य L1 उपग्रह मिशन को वर्ष 2019-20 की समयावधि में लॉन्च करने की तैयारी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस मिशन को आगे बढ़ाया गया। दोस्तों, अंतरिक्ष खगोल विज्ञान के विकास में भारत ने मील का पत्थर हासिल किया है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ का निर्माण किया है, जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए देश के पहले समर्पित वैज्ञानिक मिशन आदित्य L1 पर उड़ान भरने वाला सबसे बड़ा पेलोड है। दोस्तों, सवाल यहां ये उठता है कि सोलर कोरोनोग्राफ आखिर होता क्या है, ये कैसे आदित्य मिशन के लिए कारगर साबित होगा, कैसे उसकी उड़ान को सफल बनाएगा। दोस्तों, इसे इस साल के मध्य तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। दोस्तों, VELC पेलोड औपचारिक रूप से गुरुवार को IIA के क्रेस्ट परिसर में इसरो अध्यक्ष S. सोमनाथ को सौंपा जाएगा। IIA के एक अधिकारी ने कहा, ये भारत में अंतरिक्ष खगोल वैज्ञानिक के विकास में मील का पत्थर है। आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। दोस्तों, इसरो के अधिकारियों के अनुसार फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों का निरीक्षण करने के लिए बोर्ड पर 7 पेलोड के साथ यह मिशन सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने में अधिक लाभ प्रदान करेगा, जिसे IIA ने VELC पेलोड को यहाँ होसाकोटे में अपने क्रेस्ट परिसर में बनाया है। यह आदित्य L1 पर उड़ान भरने वाले 7 पेलोड में से सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण है। दोस्तों, इसरो के अधिकारियों ने कहा, उपग्रह द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन सौर कोरोना की हमारी वर्तमान समझ को बढ़ाएगा और अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण डेटा भी प्रदान करेगा। IIA के अधिकारियों ने कहा, VELC पेलोड द्वारा प्राप्त इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन दोनों सौर कोरोना और गतिशीलता के नैदानिक मापदंडों के साथ साथ सौर कोरोना के कोरोनल मास इजेक्शन और चुंबकीय क्षेत्र प्रयोगों की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।